बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शॉर्ट्स व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, आज का टॉपिक है मुरल हराम से पहले पहले ये एक तस्बीह पढ़ लो। तो आज जो तस्बीह आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जी ये मुहर्रम जैसी स्टार्ट होने आपने पढ़नी है, जैसी चांद नज़र आने आपने पढ़नी है, रोज़ाना पढ़ लें तो वाह क्या बात है। आसमानों से खजाने उतरेंगे, जो कुछ अल्लाह ताला से मांगोगे अल्लाह ताला बारी हमें वो अता फरमाएंगे। मोहतरम नाजरीन कराम, आज एक ऐसी खूबसूरत अमल का जिक्र मैं आपके साथ करने लगी हूँ। जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है, ये सूरत अल्लाह ताला की बारगाह में इस शख्स के लिए मुतालबा करती है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, स्क्रिप मत करें, इससे आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। इसके अंदर 30 आयात हैं। जो शख्स ये सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, इसकी 30 आयात को पढ़ लेता है, 30 दिनों तक अल्लाह ताला की इसके लिए रिजक के लिए रहमत के तमाम दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या बात होगी। बगैर कोई मेहनत किए, बगैर कोई काम किए अल्लाह पाक हमें इतना नवाज रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ हो गया, रहमत के तमाम दरवाजे खोल देता है। और जो शख्स इस को इस आयत को बार बार पढ़ लेता है, पूरा साल रिजक की फरवानी होती है। अल्लाह ताला की बारगाह में लाखों करोड़ों मांगो, अल्लाह ताला ता फरमा देता है। ये सूरत मक्का मुकरमा के अंदर नाजिल हुई, मजमून के लिहाज से बड़ी अहमियत और फजीलत रखती है ये सूरत। और ये सूरत इस कदर फजीलत वाली है कि जिस शख्स ने इस सूरत की तलावत कर ली, जिस नियत के साथ वो ये तलावत करेगा, बस मोहब्बत के साथ करे, शर्त ये है, तो वो नियत अल्लाह पाक उसकी पूरी करेगा। चाहे वो नियत वो बयान करे ना करे, वो मकसद बयान करे ना करे, लेकिन अल्लाह पाक को दिलों के हाल बेहतर से बेहतर मालूम है। अल्लाह ताला इन्हें मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। ठीक है, ये सूरत मुख्तलिफ हाजात के लिए हैं, बड़ी बड़ी हाजात हैं इसमें, वो सारी तो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकती, मुमकिन भी नहीं है, लेकिन यहाँ हम आपको मुहर्रम हराम का वजीफा बताते हैं। ये सूरत बड़ी अहम सूरत है, अल्लाह ताला की बारगाह में पढ़ने वाले की सफारिश करेगी, माशाल्लाह। जब ये चांद आपको नजर आए, हर महीने में जब भी नया चांद निकले, इस सूरत को एक बार तलावत कर लिया करें। पूरा महीना, क्योंकि महीने के अंदर 30 दिन हैं और इसके 30 ही आयत हैं। ठीक है, इसकी 30 ही आयत हैं और इसके 2 रुकू हैं और 30 आयत हैं। 30 आयत को सिर्फ आपने 12 बार पढ़ना है। ठीक हो गया, 2 रुकू और 30 आयत को सिर्फ आपने एक बार पढ़ना है। पूरा महीना आपके घर में सख्तियां दूर रहेंगी। जो किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, इत्तेफाक नहीं होता, वो दूर हो जाएगा। यहाँ तक बताया गया है कि आपके पड़ोसियों के घर में भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस सूरत की बरकत से अमन रहेगा। घर में बारिश की कतरों की तरह जो है ना रिजक बरसेगा, पता भी नहीं चलेगा कि रिजक कहाँ से आया, रखे रबे कायनात कहाँ कहाँ से रिजक आपको अता फरमा रहे हैं। ये आप हैरान रह जाएंगे, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ख़ास बात यह है, जब भी चांद नज़र आए, हर महीने के चांद नज़र आते हैं, ये ही अमल करें। तो अब मैं जो है आपको वो सूरत बताने लगी हूँ, वो सूरत है सूरतुल मुल्क। ये इतनी खूबसूरत और प्यारी सूरत है कि अगर आप इसको हर रात को पढ़ते हैं तो ये आपको क़यामत वाले दिन और कब्र में, जो हमारा पहला जो है इम्तिहान शुरू होता है कब्र से, तो वहाँ पर ये जो है ना हमारी मदद करती है,
हमारी अल्लाह पाक से सफारिश करती है, यहाँ तक कि अल्लाह से हमारे लिए झगड़ा करती है और हमें बचाती है। तो आखिर में मेरा आपसे ये कहना है कि जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप भी ये सबके साथ शेयर करें। अच्छी चीज़ जितनी ज़्यादा शेयर की जाए उतना ही अच्छा होता है, और जो बातें नहीं शेयर करनी की होती, जो हम लोग बहुत शौक़ ज़ोक से शेयर करते हैं, उनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। ये बात मैंने आपके साथ शेयर की है, आप अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनका पहला हक है हम पे। तो हमने जो सूरत आपको बताई है वो सूरत है सूरतुल मुल्क। इस सूरत से कौन वाकिफ नहीं है, माशाल्लाह इस सूरत से जी सब वाकिफ हैं। ये जी सूरत आ गई हमारी सूरतुल मुल्क, ये जी बिल्कुल ये सूरतुल मुल्क है हमारी, ठीक है। तो ये सूरत मुल्क आपने पढ़नी है, इंशाल्लाह बहुत खैर बरकत होने वाली है हमारे घरों में, हमारे दिलों में जो उदासियां रहती हैं वो जो हैं वो सब ख़त्म होने वाली हैं, और अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए अपना जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा सुनाना अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। हमारे चैनल शॉर्ट व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जो है तो वीडियो मिलेंगी, इस्लाम के हवाले से, घर के हवाले से, टिप्स के हवाले से। तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें, जा रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।